मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि बांझ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, 5-10 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद नहीं हो पा रही है। औरत को जो है बांझ कहा जा रहा है। घर वाले ताने देते हैं, ससुराल वाले ताने देते हैं और लोग बुरा समझते हैं कि ये औरत बांझ है, इसकी औलाद नहीं होगी। तो जो औरतें बांझ हैं, ऐसी औरत के लिए मैं आज नुस्खा देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से इस नुस्खे को अगर आपने इस्तेमाल करा दिया बांझ औरत को, तो बहुत जल्दी औलाद हो जाएगी अल्लाह के करम से। तो नुस्खा ये है कि आपको बरगद की दाढ़ी को ले लेना है। बरगद की दाढ़ी लेकर उसको जो है साए में खुश्क करके, यानी उसको सुखा लेना है। धूप में नहीं सुखाना है, बल्कि साए में उसको सुखाना है। और बरगद की दाढ़ी को पीस कर कपड़े में छान कर रख लेना है। यानी जब पीस लेंगे तो वो सफ़ूफ़ बन जाएगा। उसको छान करके जब आपका सफ़ूफ़ तैयार हो जाए, तो तरीका ये होगा कि 4 माशा सुबह शाम गर्म दूध के साथ बांझ औरत को हैज़ से फारिग होने के बाद 7 दिन तक पिलाएं। जैसे औरत को MC होकर के निबट जाए, वह हैज़ से फारिग हो जाए, गुस्ल कर ले, तो उसके बाद से इस नुस्खे को इस्तेमाल कराएँ 7 दिन। तो सुबह शाम जब 7 दिन तक ये नुस्खा आप इस्तेमाल कराएंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर मुराद पूरी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा और उस घर के अंदर औलाद की शक्ल में फूल खिलते हुए नज़र आएंगे और बांझपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। औलाद अल्लाह के करम से उस घर में होगी।